पोलीस टाइम्सचं करतो मानू, इकडची मेंबरशिप घेऊ हवं असेल तर. मैं एलटी सिंह, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महाराष्ट्र की तरफ से आप सभी पत्रकार भाई बहनों को स्वागत करता हूं. आज हमारे बीच इंटक के महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय श्री राकेश शेट्टी साहब से मैं निवेदन करता हूं, आप पत्रकार परिषद को संबोधित करने की कृपा करें. आज का विषय है कि 23/2/2011 इंटक के पूर्व अध्यक्ष संजीव रेड्डी कल संसद भवन पर मोर्चा लेने जा रहे हैं और इस मुहिम का मैं कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र इंटक के श्री राकेश शेट्टी साहब जाहिर विरोध करते हैं. आप 22/2/2011 का पत्रकार परिषद इसी विषय पर लिया है, तो मैं सम्माननीय श्री राकेश शेट्टी साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के, आज का पत्रकार परिषद को कल के कार्यक्रम के विषय पर मोर्चा का जो है उस पर आप सबको अपने शब्दों में निवेदन करेंगे. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से जो मेरे पत्रकार भाई बहन यहाँ पे आए हैं मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ. कल 23 फरवरी 2011 को हमारे इंटर के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री संजीव रेड्डी जी ने डिक्लेयर किया है कि कल वो पार्लियामेंट पे मोर्चा लेंगे और उन्होंने इंटर के सभी मिल वर्कर और कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या से वहां पे वो उपस्थित रहे और इस चीज का विरोध करना चाहिए. मैं महाराष्ट्र इंटर के कार्य अध्यक्ष के नेते अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे मिल मजदूर से ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारा औपचारिक रूप से इस पूरे कार्यक्रम को जो संजीव रेड्डी ले रहे उसके ऊपर निषेध है और विरोध है. संजीव रेड्डी जी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए मार्च ले रहे. आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गए 17 जुलाई 2010 में रांची में इंटक का महाअधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष पद ऑल इंडिया अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था. उस दौरान जो देश भर से जो मिल वर्कर के डेलीगेशन थे संजीव रेड्डी जी को वोट आउट किया था और उन्होंने अपने एक नया लीडर को वहां पे चुना गया था. उनका नाम है वेंकटी कृष्णमूर्ति जो हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं. इंटक के वो आंध्र प्रदेश के हैं और बहुत ही नामचीन मिल वर्कर से वो आज इतने बड़े पद तक आए हैं. इसके बावजूद आज बहुत आश्चर्यजनक बात है कि संजीव रेड्डी जो 15 साल से इंटक का अध्यक्ष थे वो आज सभी से कहते फिर रहे कि मैं अभी भी इंटक का अध्यक्ष हूँ. उन्होंने जो एक हाईकोर्ट में उनके ऊपर केस दाखिल किया जाए गया कि कौन अध्यक्ष थे इंटक का, तो उस समय में उन्होंने इंटक का एक और इंटक बना के उसको 2007 में रजिस्ट्रेशन किया और कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि इंटक का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं. जैसे हम सभी जानते हैं कि इंटक का जन्म 1947 में हुआ था और ये
कांग्रेस का एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे दो इंटक नहीं हो सकता, एक ही इंटक हो सकता है। अभी संजीव रेड्डी जी जो कह रहे हैं कि इंटक मेरा है, मैं अलग से उसको 2007 में रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये कैसा मुमकिन है? कांग्रेस के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस हो, महिला हो, सेवा दल हो, ये सभी इनका अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते। मगर ये संजीव रेड्डी जी ने जो अपना खुद का इंटक बनाया है, उसका हमको विरोध है। और मार्च में 18 मार्च को 10 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेगी, तो अननेसेसरी उसके ऊपर प्रेशर लगाने के लिए, कांग्रेस सेंट्रल कमेटी के ऊपर प्रेशर लगाने के लिए संजीव रेड्डी ये सब जो कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। सभी कार्यकर्ता, मिल वर्कर, जितने भी यूनियन जो इंटक से अफिलियटेड है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी इस मार्च में जो कल दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने होने वाला है, उसमें भाग ना ले। वो उस इंटक का कांग्रेस के इंटक से कोई लेना देना नहीं। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उसमें भी विवाद चालू है। संजीव रेड्डी जी के जो टाइम में यहाँ पे अध्यक्ष थे वो महाराष्ट्र के MLC जयप्रकाश ठाकुर जी थे, मगर अभी जिस जब 17 जुलाई 2010 को रांची में जो अधिवेशन हुआ, उसमें उस समय जैसे ऑल इंडिया का अध्यक्ष अंबटी कृष्णमूर्ति को चुना गया, उसी तरह महाराष्ट्र का अध्यक्ष संजीव पाटिल जी को चुना गया है। संजीव पाटिल जी ये कल्याण के वेल नोन पॉलिटिशियन है, वहां के यूनियन लीडर है। तो ये जो खुलासा है ये मैं पत्रकार भाई-बहन से करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, कल का जो ये विरोध है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के अगेंस्ट है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, हर एक आम आदमी इसका विरोध और निषेध करते हैं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और एक बात बता देता हूँ, संजीव रेड्डी जी ये राज्यसभा मेंबर है और कांग्रेस की तरफ से है। मैं कांग्रेस हाईकमान से भी ये दुआ करता हूँ कि कल का उनका मार्च होने के बाद उनको ताबड़तोड़ इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। आप लोग कुछ भी अगर इस विषय में सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझसे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। कलेक्टिव जैसे आपके कॉल सेंटर्स है, BPOs है, ये लेबर लॉ के अंदर नहीं गिरते, तो उनका ये मानना है कि उनको लिया जाए, हम भी उसको समर्थन करते हैं, मगर जिस हैसियत से वो कर रहे हैं, वो रोज जो कर रहे हैं कि वो इंटर के अध्यक्ष, वो गलत है। क्योंकि रांची में पूरे दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा है, इंटरनेट पे है, वीडियोस है कि उनको सभी लोगों ने प्रॉपर वोटिंग से वोट आउट किया, उसके बावजूद उस डेजिग्नेशन को लेके आप मोर्चा ले रहे हो, वो गलत। मांग का हमारा कुछ लेना देना नहीं, मतलब जो हेतु है, जो दिमाग में उनका षड्यंत्र रचा है उन्होंने, 1947 से इंटक है वो, 2007 में कैसा रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस चीज का, और वो भी खुद को अध्यक्ष उन्होंने किस तरह डिक्लेयर किया, तो ये सब पार्टी के हित के विरुद्ध है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। वो मामला कोर्ट में है, मीडिया को इन्वॉल्व करने का यही है कि मीडिया का पहुंच हर गांव हर जिले में है, और हर एक कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने नेशनल लेवल पे एक घोषणा की है कि कांग्रेस का इंटर किसके विरोध है, तो हम इधर यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये जो इंटर के कह रहे हैं वो गलत है, उनका पर्सनल यूनियन है, उससे बोलिए इसको कट ऑफ कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। ऑलरेडी रांची में 17 जुलाई को ये उनको निकाला गया है, उनको वोट आउट कर चुके हैं, फिर भी एक दिशा खुल करने का जो कर रहे हैं, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता और लोगों से अपील है कि इस पे सहभाग मत दीजिए, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना। सर ये बताइए, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा उद्देश्य, देखिए कल 23 फरवरी 2011 को जो हमारे इंटक के पूर्व अध्यक्ष थे संजीव रेड्डी जी,
वो पार्लियामेंट के ऊपर मोर्चा लेके जा रहे और वो लोगों को दिशा गुल कर रहे कि ये इंटक का मोर्चा है, जबकि 17 जुलाई 2010 में रांची में जो हमारा इंटक का महाधिवेशन हुआ था उस टाइम पे रेड्डी साहब को वोट आउट किया था और नया अध्यक्ष चुना गया था जिनका नाम है अंबटी कृष्णमूर्ति जो आंध्र प्रदेश का। तो हमारा कार्यकर्ताओं से और सभी से अपील, मिल वर्करों से यही अपील है कि ये जो है ये अपना पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कर रहा है और इनका इंटक से कोई संबंध नहीं। सर क्या उनकी मांगे और क्यों मांग? नहीं, जितने नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, जितने में जो सेक्टर्स को ग्रुप नहीं किया गया जैसे कॉल सेंटर्स है, जैसे आपके वीपीओस है, वो लेबर लॉ में नहीं आते, तो उनकी मांगे वो है। और प्राइस रेस मतलब जो ऑलरेडी 6 महीने पहले 3 महीने पहले दूसरे पार्टियों ने किया था वही मांगे को घिसा पिटा मुद्दे को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। उनसे बात हुई है तो बात आपको एक बता देना चाहता हूँ इसमें कि उनके और हमारे इंटर के बीच में कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चालू है जिसमें फैसला हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था, जब उनको वोट आउट किया 2010 में उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया परसों हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स में, ये उन्होंने दिया कि मेरा जो इंटक है उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इंटक एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी। तो ये खुद का उन्होंने अलग से 2007 में रजिस्ट्रेशन किया इंटक का, जिनका उन्होंने एक पत्र हाईकोर्ट में भी दिया। तो हमारा तो यही विरोध है कि हमारा जो नाम है, हमारा जो लोगो है कांग्रेस पार्टी का, और उसको उनको मिसयूज करके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश है वो तो नहीं करना। और सर ये बताइए इस बारे में हाईकमांड को पता है या? हाईकमांड को पता है, कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। कैसा होता है कि हमारे कांग्रेस में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूथ है, NSOI है, सेवा दल है, महिला है, ये सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मगर 1947 से इंटक है उसको 2007 में रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब? वो भी उसमें परमानेंट, आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंस है उसमें लिखा हुआ है कि ये एफिलिएटेड AICC, इन्होंने उतना भाग निकाल के AICC से संबंधित निकाल के खुद का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया जिसका हमको विरोध। जब नया किया उसने क्या
इलाहाबाद 1947 में जो बना उसको तुम 2007 में कैसे रजिस्ट्रेशन? उसको पता ही है, मगर कल नहीं अभी कैसा है कोर्ट ने अभी क्या बोला कल से, तो जब तक इसका निर्णय ये तो इंटर का ओरिजिनल दिल्ली का ही अभी देखो इसमें कैसा है इंटक का संविधान होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें लिखा है इंटक यूनियन जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस शैल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई शैल अबाइड विद द मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई शैल फ्रंट लोन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब है ना। संजीव रेड्डी ने कोर्ट में क्या दिया था सेम 2007 में देखो है ना 2000 इंटक मेरा पास में तो जाते हैं।